नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आइए ग्रामीण अंचल के हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए रुख करते हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। यूपी के मिर्जापुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के कोटवा गांव में 15 वर्षीय किशोरी से शादी रचाने मैनपुरी से 30 वर्षीय युवक परिजनों संग आया था। सूचना पर पहुंचे प्रोबेशन विभाग और देहात कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से हो रही शादी को रुकवाया। पुलिस ने मौके से लड़के पक्ष के दो लोगों को हिरासत में लेकर जांच में जुट गई है। लड़के पक्ष की ओर से 1 लाख रुपए देने की बात सामने आई है। फिलहाल अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस दोनों पक्षों को कोतवाली लाकर पूछताछ कर रही है। मैनपुरी जिले का रहने वाला एक 30 वर्षीय युवक अपने परिजनों के साथ एक बोलेरो से देहात कोतवाली क्षेत्र के कोटवा गांव एक 15 वर्षीय किशोरी से शादी करने आया था। लड़के पक्ष के लोग गाँव के किसी व्यक्ति के यहाँ 2 दिन से रुके हुए थे। 15 वर्षीय किशोरी से शादी होने की सूचना पर देर शाम जिला प्रोबेशन अधिकारी शक्ति त्रिपाठी व देहात कोतवाल विजय कुमार चौरसिया अपनी टीम के साथ गांव पहुंची। टीम ने नाबालिग से हो रही शादी को तत्काल रुकवाया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले लड़के पक्ष वाले फरार हो गए थे। लड़की ने लड़के पक्ष के 2 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है। बताया गया कि लड़के पक्ष के लोग मिर्जापुर खरीदारी करने गए हैं। पुलिस सभी को हिरासत में लेकर कोतवाली ले आई। चर्चा है कि लड़के पक्ष ने लड़की पक्ष को शादी के लिए 1 लाख रुपए भी दिए हैं, लेकिन पुलिस की पूछताछ में अभी तक रुपए लेने की बात पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जिले में यह दूसरा ऐसा मामला है कि पुलिस ने नाबालिग से हो रही शादी को रुकवाया। कुछ महीने पूर्व लालगंज में भी एक ऐसा मामला सामने आया था। सीतापुर का 38 वर्षीय युवक अपने परिवार के साथ लालगंज पहुंचकर 11 वर्षीय बालिका से शादी रचाने आया था, लेकिन पुलिस ने शादी को रुकवा दिया था। जबकि पुलिस ने आरोपी दूल्हा समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।